हत्या अपने आप में ही दर्दनाक और भयानक होती है, लेकिन कई हत्याओं के कारण, तरीके और उनके पीछे की कहानी ज्यादा दिल दहला देने वाली होती है। आइए आइए आप लोग। ये घर है, ये इस तरफ किचन, बाथरूम होता है। वैसे पानी माशाल्लाह फुल आता है और वैसे इसका भाड़ा 5,000 रुपया है, जो आपको एडवांस में देना पड़ेगा। ये कमरा नहीं, वो लॉक ही रहता है। आप लोगों को वहां पर लगाएगा तो 3,000 एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा। नहीं 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 नहीं, 8,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं वैसे कभी आपको ऐसा यूज करने का जरूरत पड़ गया तो कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, खाली मेरे को एडवांस भी बोल देना। हाँ ये आपका एडवांस। ओके ठीक है, चलते हैं। मैं है अरे वो कहाँ उड़े जा रही है वृंदा, हमेशा पंख लगे रहते हैं तेरे। और चाचा नए बढ़ोतरी। हाँ बेटा, क्योंकि मेरी तेरे जैसी बेटी है ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत दी है। देख मुझे आज मुंबई जाना है, तू यहाँ से सीधे किचन में जाएगी, ठीक है? भूलना मत। क्या चाचा, पहले कभी कोई काम भूली क्या मैं? गलती हो गई मेरी अम्मा, आगे से नहीं बोलूंगा। जा अभी। कमला क्या हुआ? अरे ये लोग इधर नए नए रहने को आए ना, तो मैं सोची जाके पूछ लूँ, कुछ मदद भी तो नहीं चाहिए, पर ये तो आते ही पर्दे और गेट सब बंद कर लिए। अरे समझा करना, नई नई शादी हुई उन दोनों की, तो दरवाजे खिड़की बंद करके बैठेंगे ना अभी। अगर तेल गरम हो गया है डाल दे सारा उसमें। तेरा हुआ कि नहीं डालना है उसमें, गरम हो गया तेल। चल जल्दी करो जल्दी करो, सवेरे का टाइम है, सब आ जाएंगे भी टिफिन लेने। इतना हो गया इसका। काकी काकी काकी, मेरे टिफिन रेडी है ना? हाँ पर तो इतना हाफ के रही है, रुक जा थोड़ा सा। नहीं नहीं सांस लेने जाऊंगी तो उनको लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है ये ले। मैं चली हां। अच्छा रुक जा रुक जा, ये देख मैंने कुछ बनाया है, खा के बता कैसा है। बहुत अच्छा, चलो अब मैं जल्दी। हां अरे ये पूरा तो खा ले। नहीं नहीं पूरा खाने जाऊंगी तो उनको लेट हो जाएगा। नहीं कहाँ भाग रही है? ये हाथ पीछे रख, आखिरी बार बोल रही हूँ कमलेश, दोबारा ऐसी गलत बात की ना तो सुमन चाचा को बोल दूंगी। शुक्र अल्लाह का डॉक्टर साहब पहुंचे। नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, देखो डॉक्टर साहब आ गए ना, वो तुम्हारी आई की टीबी ऐसे चुटकी बजाती ठीक कर देंगे, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ हाँ मैंने दवाई तो लिख दी है, जल्दी इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। ये आपकी फीस। जी शुक्रिया। भाभी जी जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होती आप यहीं आराम करें। वृंदा बच्ची है भाई जान, मैं बिस्तर पे पड़ी रहूंगी तो अकेले, नौकरी घर का सारा काम खाना वाना सब कैसे करेगी? अरे भाभी मैं किस मर्ज की दवा हूँ? वृंदा बेटा 2 घंटे बाद आ जाना, राशन व खाना वगैरह ले जाना और दवाई भी दिलवा दूंगा, ठीक है? जी चाचा। भाई जान आप ना होते तो हमारा क्या होता, पहले आपने वृंदा को नौकरी दे दी ताकि हमारा घर चलता रहे, आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। बेटा आई का ख्याल रख, चलता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वो भाभी जी आपसे एक छोटा सा काम था,
वो क्या है ना, हमारे घर में एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। उस्मान भाई ने बोला था अगर यूज करना है तो हम वो खोल सकते हैं। उनसे फोन पे बात हो गई है पर उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप मेरे साथ आ जाती तो वो मैं कमरा खोल लेती। वो क्या है ना, कल ऐसा ना लगे ना कि कोई चोरी वोरी हुई है या कोई गड़बड़ है। चल सर। थैंक यू। अगो देवा कितनी बास आते, मुझे लगता है चूहा मर गया। वो अंदर आप लोग यहीं रुकिए। सर बॉडी तो पूरी तरह से सड़ चुकी है और नमक में डाली गई थी ताकि बदबू कम आए। सर फिलहाल बॉडी को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये बॉडी किसी लड़की या औरत की है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अंदर आइए आप लोग। घर तुम्हारा है? जी सर। बेडरूम आपका है? नहीं सर, वो तो हमारे यहाँ आने से पहले उस रूम में पड़ा था सर। हमें कुछ सामान रखना था इसलिए फिर हमने इनको बुला लिया सर यहाँ, और फिर इनके सामने ही हमने ताला तोड़ा। हाँ सर, ताला तो इन्होंने मेरे सामने ही तोड़ा था। ताला क्यों तोड़ा? क्योंकि साहब इस रूम की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इनको बोला था कि जरूरत पड़े तो आप ताला तोड़ दें। घर आपका है ना, चाबी आपके पास नहीं थी? शायद सिंधे फैमिली के पास होगी चाबी, क्योंकि जब वो खाली करके गए तो ताला लगा के गए थे साहब। वो कब गए? 2 महीने तो हो गए होंगे ना उस्मान भाई। हाँ, तो 2 महीने से खाली है घर? अरे नहीं साहब, वो शिंदे फैमिली बहुत शानी निकली साहब। उनका 2 महीने का भाड़ा बाकी था जब वो घर छोड़ के चले गए, वो तो दिया नहीं। और जब मैं 15 दिन के लिए वर्धा गया साहब, उस बात का फायदा उठाकर मेरा घर उन्होंने काले फैमिली को भाड़े पे दे दिया बिना मेरे को बोले। और शिंदे फैमिली का तो कहीं पता ही नहीं है साहब। और कुछ दिन पहले वो काले फैमिली भी साहब ये घर छोड़ कर चले गए। तब से लेके इन लोग के आने तक ये घर खाली पड़ा था साहब, अल्लाह गवाह है। मुझे इस पाटिल फैमिली का बिहेवियर कुछ अजीब लगा। मुझे लगता है कि पाटिल फैमिली हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। फिर उसे मारता नहीं तो और क्या करता मैं? अनिल कभी विचार के लिए, अगर पता चल गया तो क्या होगा? सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, उनको इतनी जल्दी क्या थी? उन्होंने उस्मान का भी इंतजार नहीं किया, पड़ोसन को बुला के गवाह बना के ताला तोड़वा दिया। मैं जानता हूँ पुलिस बेवकूफ नहीं है, 2 और 2 करेगी और सब समझ जाएगी। अगर वो टेम्पो वाला हमें धोखा नहीं देता तो हम बच जाते। सुषमा, अभी हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि वो बचने का रास्ता ढूंढे उनकी सारी डिटेल्स निकलवा। सर वृंदा क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है बच्चे? कुछ नहीं वृंदा। सर उस्मान के पड़ोसियों से बात की है, उनका कहना है कि 10-12 दिन पहले जब पाटिल फैमिली ने उस्मान के घर को किराए से लिया था तब से लेके अभी तक वहाँ के लोगों को उनका नेचर कुछ अजीब सा लग रहा है। इनफैक्ट सर वो ज्यादा किसी से बात बात करते नहीं थे और सामान के नाम पर उनके पास एक बैग था और एक गोनी थी जिसे लेकर वो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। घर के खिड़की दरवाजे भी 24 घंटे बंद रखते थे। सर जिस टेम्पो से वो मोहल्ले में आए थे मैंने उसके ड्राइवर से भी बात की। अजीब आदमी था साहब, मैं उसे गोली उतारने के लिए मदद कर रहा था। अरे अब छोड़िए, उसने मुझे जोर से धक्का दिया जैसे कि मैं उसकी गोली लेके भाग जाने वाला था। उस्मान का भी यही कहना है कि वो गोनी को 1 मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं करते थे। और उनकी पड़ोसन कमला, उसने भी बताया कि एक रात वो गोनी को देर रात कहीं लेकर जा रहे थे। नजर रखो उन पे,
अगर उन्होंने कुछ कांड किया है तो बचने के लिए जरूर कोई ना कोई गलती करेगी। वृंदा, देख क्यों नहीं रही किसका फोन है? कब से बजे जा रहा है, उठा ना। पीछा कर रहा है साहब, 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 कुछ खाने के लिए दो ना साहब, साहब, तब से कुछ खाया नहीं है साहब, साहब। अभी जाओ। सॉरी सर। वो शाने निकले, पुलिस को उल्लू बना के। सर कुछ बता जरा सुषमा और अनिल का। हाँ सर, एक सब्जी वाले ने सुबह 7 बजे उन्हें ट्रक पे चढ़ते हुए देखा था हाईवे के पास। सर ट्रक का डिस्क्रिप्शन मिल गया है, जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा। सवेरे 7 बजे, अभी 2 बज चुके हैं शिर के, 7 घंटे हो चुके हैं। जो लोग पुलिस को चकमा देके भागे वो हमारी राह देखते वहां रुकेंगे कि हम वहां जाएंगे और उनको पकड़ के लाएंगे? वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगाओ आणि प्रत्येक टोल नाके और ट्रक से डिस्क्रिप्शन पाठवा। जाओ। ओ सर, जिस घर के अंदर ड्रम में लाश मिली थी उस घर के बाहर ये टूटा हुआ ताला मिला है। पाटिल फैमिली ने कमला के सामने जो ताला तोड़ा था वो ले गया। सर हमारा शक सही निकला शिरके, पाटिल फैमिली ने कमला के सामने जो ताला तोड़ा था एक नाटक था। असल में वो पहले ही एक ताला तोड़ चुके थे। वो अनिल और सुषमा की वजह से केलकर साहब ने क्या क्लास ली मेरी, सुनना पड़ा, गलती तो मेरी थी ना। सर जो बॉडी हमें ड्रम में मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। लड़की की बॉडी है सर, उम्र 23 से 24 साल। बॉडी पर चाकू जैसी किसी चीज से 7 बार वार किया गया था। मौत का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया जा सकता लेकिन एस्टिमेटेड टाइम 45 से 60 दिन के बीच का है। इसका मतलब शिरके ये जो मर्डर हुआ ये जून लास्ट वीक या जुलाई सेकेंड वीक में हुआ। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उस्मान के घर में जो औरत की लाश मिली पाटिल फैमिली के पहले जो किराएदार रहते थे उनमें से किसी की हो। साहब पाटिल से पहले काले फैमिली उधर रहती थी। रवि काले, उसकी बीवी, उनका बेटा प्रेम, पल्लवी का पति, साहब तीनों मिलके पल्लवी की जो हालत करते थे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। साहब मेरे घर में शिफ्ट होने से पहले काले फैमिली वहीं आसपास में कहीं रहती थी लेकिन उनके मकान मालिक की बेटे की शादी थी तो उनको घर चाहिए था शायद। और इधर वो शिंदे जो था तो मेरा घर छोड़ के भागने की तैयारी में थे तो उसने बिना मेरे को बोले काले को मेरे घर में बाहर पे रख दिया। जब मैं वर्धा से वापस आया तो मैं काले फैमिली से मिलने गया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये केस वापस ले लो। देख भाऊ गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, मुझे अच्छा लगेगा इस उम्र में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊ। बोला बोला ना। कान फूट ले तुझे, आई बाबा क्या बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा तुझे? नहीं बाबा गलती हमारी है, ये प्यार से नहीं ये मार से माने। अरे अंदर करवाएगा सबको। लेकिन बाबा चुप बैठ, सुना नहीं वो पुलिस वाली क्या बोलकर गई? आई बाबा की वजह से तू बच गई वरना मैं अभी के अभी तुझे जिंदा गाड़ देता, समझे? मेरे ख्याल से पल्लवी काले ने फिरार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी उनके खिलाफ। हाँ सर, सर पल्लवी ने 2 महीने पहले कंप्लेंट लिखवाई थी।
मैडम मुझे बचा लो मैडम, वरना वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो मैडम, मुझे बचा लो, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मैं सेफ हूँ, घबराओ मत, मत पानी। अब बताओ क्या हुआ? जब से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल वाले रोज गाली सुनाते हैं, मारपीट करते हैं, कहते हैं और दहेज चाहिए। सास ससुर तुम्हें पीटते हैं और पति तुम्हें पिटता देखता रहता है, कुछ करता नहीं है वो? किया ना मैडम। बहुत हिम्मत पड़ गई है तेरी। रुक! आज तुझे जिंदा जला दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक आ रही हूँ। केरोसिन का बास आ रहा है कपड़ों में से। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो वो मुझे जिंदा जला देता मैडम। पता नहीं मैडम ये झूठ क्यों बोल रही है, शायद इसे गलत फहमी हो गई है। अरे मैडम मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। हाँ मैडम, और वो केरोसिन तो गलती से गिर गया मेरे हाथों से, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। देखो इसने ना केरोसिन मंगाया और मेरे प्रेम ने लाकर उसे दिया और उसके हाथ से ऐसा छूट गया और इसके आंख पे गिर गया। तो इसे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के मेरे बेटे ने उसके पैर केरोसिन डाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, माफ कर दे और इनको बोल दे केस वापस ले। नहीं मैं केस वापस नहीं लूंगी मैडम, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग जानबूझ के मुझे जिंदा चलाने की कोशिश की है। अरे कोशिश की होती तो अब यहाँ खड़ी होती क्या तू? ठीक है तू वो सदमे में है बेटा, अटैक बंद करो अपना। अगर आज के बाद पल्लवी को हाथ भी लगाया ना तो तीनों की गलतफहमी दूर कर दूंगी मैं। तुम्हारा दहेज का लालच और तुम्हारी मर्दानगी ऐसे सदमे में आएगी ना कि तीनों जन जेल से जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? पर सर पल्लवी उस कंप्लेंट पे कार्रवाई करना नहीं चाहती, इसलिए हमने काले फैमिली को वार्निंग देके छोड़ दिया। सब पल्लवी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी इसलिए वो लोग डर तो गए थे, लेकिन उसके बाद से पल्लवी के लिए उनकी नफरत बहुत बढ़ गई थी। सब ये काले फैमिली की डिटेल्स दे दो। काले फैमिली की डिटेल मेरे पास नहीं है, शिंदे फैमिली की दे सकता हूँ, शिंदे से आपको काले की मिल जाएगी। सब दोनों की आपस में बहुत पड़ती थी। अरे कन्फ्यूजन है, काले शिंदे दोनों फैमिली की डिटेल्स दे दो इनको। शिरके ये पल्लवी के बारे में पूछताछ करो बस्ती में, सारे डिटेल्स चाहिए उसके मुझे। जब एक मर्द औरत को सारे बाजार में नंगा करता है ना तो सोचो क्या होता है। बेचारी पल्लवी के साथ भी एक दिन ऐसे हुआ था। ए पल्लवी, ए ए रुक, इधर जा रे, चल आज मुड़ू अपना, चल छोड़ छोड़ पीछे हट, पैसा दे दो ले ले, चल आज मुड़ बनाएंगे, चल चल। ये पैसे ना अपनी माँ को जाके देना और उसी के साथ सोना, समझे? छोड़। ए ए ए क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पे? छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। हाँ चल निकल चल। नाम क्या बता दोनों का? सर श्याम और विलास। अगर पान वाले की इन्फॉर्मेशन सच है तो ये दोनों किसी गटर में दारू पी के पड़े होंगे, उठा उनको। ठीक है सर। सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, सब्जी वाले ने जिस ट्रक का डिस्क्रिप्शन दिया था वो कोल्हापुर के नाके के पास से निकला है। अनिल पाटिल और सुषमा उसमें अभी दिखे हैं। हाईवे पुलिस को इन्फॉर्म करो सर, और नायगांव में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो उसका कोल्हापुर में कनेक्शन है क्या। चिरके शिंदे फैमिली का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ है। सर एक हरकत नसेल तो विचारूंगा, तुम्हें चार चमचे साकर का खाता? क्योंकि चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर ये लड़की मुझे बहुत अजीब सी लगती है, कुछ दिन पहले भी आई थी सर, लगता है कुछ कहना चाहती थी लेकिन अचानक भाग गई। मार दिमाग की बत्ती नहीं चली, इसे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? हो सकता है इस मर्डर के बारे में कुछ जानती हो, हमें कुछ बताना चाहती हो, ले क्या उसे। जी सर। सर रवि काले का फोन सतारा के पास ऑन हुआ था, मैंने वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जल्दी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ही मिलती है उसे अरेस्ट करके ला रहे हैं। गुड। और वो दो बेवड़े? सर विलास और श्याम दोनों का पता चल गया है, हमारी एक टीम गई है उन्हें उठाने के लिए।
हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, कसम से। पल्ले के ऊपर नजर थी ना तुम्हारी, उसने भरे मार्केट में थप्पड़ मारी थी तुम लोगों को, हाँ, इसलिए तुमने बदला लिया, उसका मर्डर किया। साहब कसम से बोल रहे हैं अपुन साहब, साहब अपुन नहीं मारा उसको साहब। हमने नहीं मारा उसको साहब, कसम से नहीं मारा। हाँ साहब, दो महीने पहले ना उसको आधी रात को किधर तो बाहर जाते हुए देखा था साहब, वो बैग भीग लेके जा रही थी। ये वही है ना जिसने मेरे को थप्पड़ मारा था, ये देख वही है वो। ये क्या कर रहे हैं? चल तेरे को बता दे क्या कर रहा है मैं। चल अभी काय को मारे सूरज? ये सूरज कौन है? वो साहब वो भाजी वाला है साहब, वो अपने बस्ती में वो भाजी बेचता था साहब। अपने को बाद में मालूम पड़ा कि उसका और पल्लवी का लफड़ा है करके। मेरे को तो लगता है पल्लवी उसके साथ ही भाग गई होगी साहब, क्योंकि वो सूरज भी गायब है तभी से साहब। क्या डेट क्या थी? साहब तब इतना मालूम है कि वो जून महीने का आखिर था या तो फिर जुलाई का शुरू में था। फिर क्या? ये सूरज का नाम लेके हमको गुमराह करने की कोशिश कर, इन दोनों ने पल्लवी के साथ रेप किया, बाद में उसका मर्डर किया। कार उतरेगी ना सब बोलोगे तुम। करने लिंबू पानी पादर का आता नहीं बाजा। सिरके अगर सच में उस दिन पल्लवी सूरज के साथ बाहर गई थी तो ये बॉडी पल्लवी की नहीं किसी और की हो सकता है। आप सही कह रहे हैं सर, हो सकता है ये बॉडी मिताली की हो। मिताली कौन? सर केशव शिंदे की बहू, जो कि काले फैमिली से पहले उस घर में रहती। सुश्रिंदा बोयर नाम की एक औरत है जो कि बस्ती में कम्युनिटी किचन चलाती है और उसका मालिक उस्मान। उसने बताया कि पल्लवी और मिताली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसने ये बताया कि मिताली अनाथ थी, वो बेवड़े प्रशांत से शादी कर ली उसने प्यार में, पर झाड़ू कटका करके उसके सारे घर वालों का पेट पालती थी वो, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत ही परेशान करते थे उसको। ये क्या लड़ रही है? अरुला चल निकल। ये इधर बस्ती के पास ही एक बैचलर लड़का है, उसके घर पे झाड़ू कटका करती थी, उसका नाम था कुछ मिलिन वेब, बहुत ही कमीना लड़का था वो। घर का काम करके उसको 15,000 मिल जाता था और उतना चल जाता था उसको। अब फिर एक दिन उस मिलिन ने उसके ऊपर जबरदस्ती किया। उसने जाके अपने ससुराल वालों को बताया लेकिन उन्होंने पुलिस को बताने से मना कर दिया, बोले कि उसका काम छूट जाएगा और ये निकम्मे लोग भूखे मर जाएंगे। ये बात जब मिलिन को पता चली उसमें तो और हिम्मत आ गई। अगले ही दिन उसने और तीन दोस्तों को बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उन तीनों ने उसको अलग अलग पैसा दिया। फिर मिताली ने भी सोचा कि कहाँ खाली फुकट ये झाड़ू कटका करने का, तो उसने धंधा करना शुरू कर दिया। घर वालों को बोलती थी घर का काम करने जा रही है लेकिन धंधा करती थी। फिर एक दिन उसको अपनी ही ग्राहक आकाश से प्यार हो गया। उसने पल्लवी को भी बोला कि इस काम में लग जाए लेकिन पल्लवी भड़क गई। खबरदार जैसी घटिया बात मेरे को दोबारा बोली है तो, और तू भी ये घटिया काम छोड़ दे वरना तेरे ससुराल वालों को जाके बोल दूंगी और फिर तुझे घर जाके मुंह खोलेगी ना तो काट दूंगी तुझे। फिर पता नहीं पल्लवी ने बोला या किसी और ने बोला लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया कि पिताली काम नहीं करती धंधा करने जाती है। अरे हमारा शांति की धूनी भानी करते और बाहर जाके धंधा करती है। अरे मार से बोल पैसा कहाँ है बता। हमारी इज्जत डुबा के और हिसाब किसने का देती है 15,000 का? बोल कहाँ है पैसा? बहुत तमाशे हुए। फिर अगले दिन वो शिंदे लोग घर छोड़ के चले गए। मिताली थी उस दिन साथ में? वो मालूम नहीं मैडम, लेकिन उनको जाते हुए बस्ती में से किसी ने भी नहीं देखा। तो हो सकता है वो बॉडी मिताली की। ये शिंदे फैमिली ने मिताली को मार दिया, उसको ड्रम में डंप कर दिया
और बाद में उसका पैसा लेके भाग गई। सर ऐसा भी हो सकता है कि पल्लवी को मिताली का सच पता चल गया, यही बात उसने उसके ससुराल वालों को बता दी। गुस्से में आकर मिताली ने पल्लवी का मर्डर कर दिया, उस बॉडी को ड्रम में डाल दिया और वहाँ से निकल गई हो। सर एक बात और हो सकती है, सर पल्लवी और सूरज का किसी बात में झगड़ा हुआ हो और सूरज ने पल्लवी को मार के उसकी बॉडी को ड्रम में ठिकाने लगा दिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है, हमारे सामने थ्योरीज बहुत है लेकिन पक्का सबूत नहीं। अब हमें ये पता करना है कि लाश किसकी है और ये भी पता करना है कि जो जिंदा है वो कौन है और कहाँ। उस्मान की खोली में ड्रम में मिली औरत की लाश ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। किसकी हो सकती थी ये लाश? पल्लवी की। अब एक नया नाम सामने था, मिताली। इसी दौरान विरार पुलिस को पता चलता है कि 2 महीने पहले सतारा में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी जो और किसी की नहीं बल्कि मिताली की थी और शिंदे परिवार ने लिखवाई थी। सारी थ्योरीज और संभावनाओं के बाद अब भी बड़ा सवाल यही था कि मरने वाली औरत कौन थी और उसे किसने और क्यों मारा था। सर हमारी टीम ने शिंदे फैमिली को अरेस्ट कर लिया है, वो उन्हें इधर लेके आ रहे हैं। साहब हम 14 जून के रात को विरार से निकले थे सातारा के लिए टेम्पो से, लेकिन रात को मिताली कब टेम्पो से भागी हमें पता नहीं चला। जब हम सातारा पहुंचे ना तभी हमको पता चला कि वो हमारे साथ नहीं है, तभी हम लोग ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट वहाँ लिखवाई थी। साहब आकाश के बारे में पता था? हाँ साहब, वो उधर ही हमारी बस्ती में रहता था, हमें लगा वो उसके पास गई होगी। उस्मान चाचा के उस रूम को ताला लगा क्यों भाग गए थे तुम? नहीं साहब हम लोग भागे नहीं थे, उल्टा हमारा ही कुछ सामान वहाँ पड़ा हुआ था। क्या बताऊँ साहब आपको, हमारा बेटा परेशान, उसकी शराब की लत छुड़वाने के लिए हम उसे सातारा लेके गए थे, लेकिन 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई और उसके अंतिम कार्य के लिए हम लोग वहाँ रुके थे साहब, इसीलिए हम लोगों का मोबाइल नहीं लग रहा था साहब। रही बात रवि गाड़े की, तो उसे वो जगह हम लोग ने तब इन्हें दी थी जब तक हम लोग वापस ना आए। हम लोग सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब। सीधे साधे लोग हैं तुम? तुम कितने सीधे और कितने साधे हो सब पता है हमें। तुमने मिताली के साथ क्या क्या किया ये भी पता है, मिलिंद के घर में उसको काम करने लगा है ना, इसके बावजूद भी तुम्हें पता था कि उसके साथ रेप हुआ है, और जब ये गलत काम वो खुद के मर्जी से करने लगी, उसको मारा पीटा, उसका पैसा लेके तुम भाग गए। एक मासूम सीधी साधी लड़की तुम्हारे वजह से इस दलदल में फंस गई और अभी तक वो गायब है। उस्मान चाचा के जिस रूम को लॉक लगा था उसमें तुम्हारा सामान नहीं, मिताली की लाश। तुमने मारा मिताली को? नहीं नहीं साहब, हम लोगों ने नहीं मारा साहब उसे। हम सच बोल रहे हैं, हम लोगों ने नहीं मारा उसे। क्या ऐसा नहीं सुधरेंगे, बहुत मोटी चमड़ी वाले। मिता घेऊन जायला बंदोबस्त करा यांचा। नहीं साहब, तो कितना सीधा है दिखा। शिरके सर पता करो कितना सच बोल रहे। अगर मिताली और आकाश 3 महीने से यहीं है तो उस्मान चाचा के कमरे में जो लाश मिली वो पल्लवी की हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस मिताली को ढूंढना होगा। सूरज का क्या हुआ? सर काले फैमिली जब से विरार से शिफ्ट हुई है सूरज का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ गया है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। सर रिचर कंजी पुलिस ने अनिल और सुषमा को पकड़ लिया है, वो उसे यहाँ लेके आ रहा है। मैं और सुषमा पालघर में रहते हैं। पालघर में मैं और सुषमा पड़ोस में रहते हैं। सुषमा की शादी सर वो अजीत जयकर नाम के गुंडे से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमें डर भी लगा रहता था कि ये बात अगर इसके पति को पता चल गई तो वो क्या कर देगा सर। इसलिए फिर हम दोनों ने सर कोल्हापुर भाग जाने का फैसला किया। 3 अगस्त की रात को सर ये अपने सास के सारे जेवर लेके मेरे पास आई और फिर हम लोग कोल्हापुर जाने के लिए टेम्पो ढूंढने के लिए मंडी में गए। भाऊ कोल्हापुर के लिए टेम्पो तो अभी 15 मिनट पहले ही निकला, पर अब अगला मिलना मुश्किल है। ये किसका टेम्पो? मेरा है। ये कहाँ जा रहे? विरार। रोज रात को कहाँ जाते थे? कोल्हापुर जाना था ना सर, वो टेम्पो ढूंढने जाते थे हम। एक ना जब अनिल टेम्पो ढूंढने गए और मैं घर में अकेली थी तो यहाँ छुप के बैठी है तू, और तेरा यार किधर है? बुला उसे। आज तुम दोनों का खेल खत्म कर देता हूं मैं। उसके पहले ना मुझे मेरे पैसे और जेवर चाहिए जो तू चुरा के भागी। बॉल किधर रखे?
अरे उठना, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अरे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो पकड़े जाएंगे हम। ये इसे अभी अभी के लिए यहाँ छुपा देते हैं, फिर फेंक देंगे कहीं। उस रूम में तो पहले से एक लाश थी साहब, हम दोनों को लगा कि हम दोनों फंस जाएंगे, इसलिए फिर वो अजीत के बॉडी को हमने एक गोनी में भरा और फिर कहीं ठिकाने लगाने के लिए हम दोनों निकल गए। मैं मैकेनिक हूँ इसलिए मैं जानता हूँ बिना चाबी के गाड़ी कैसे चालू करते। हम दोनों जैसे तैसे करके वो बॉडी को बाइक पर रखा और फिर ठिकाने लगाने के लिए हम लोग निकल पड़े। वो सब तो होने के बाद सब हम लोग कोल्हापुर के लिए भाग गए। हाईवे पर इचलकरंजी का ट्रक मिला, हमने उस ट्रक से लिफ्ट लिया और इचलकरंजी पहुंच गए। सर हम जैसे ही इचलकरंजी पहुंच गए सामने अजीत था, हम दोनों तो डर गए कि ये जिंदा कैसे बचा। सब वो हमें मारने के लिए आया था लेकिन वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिए। और वो उधर इचलकरंजी पुलिस स्टेशन के कस्टडी में, और तुम्हारे ऊपर अजीत के अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा। सर जंगल में एक लाश मिली। सर बॉडी बुरी तरह सड़ गई। कुछ मिला? ये वॉलेट मिला है, उसमें आईडी कार्ड है। सूरज यादव? सूरज यादव मतलब पल्लवी का बॉयफ्रेंड। तो जिस हिसाब से बॉडी डिकम्पोज हुई है इसे लगभग एक दो महीने तो हुए होंगे, और पल्लवी और सूरज को गायब हुए भी दो महीने हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बॉडी सूरज की है। पंचनामा करा और देखो आसपास और कुछ मिलता है। क्योंकि अगर ये बॉडी सूरज की है तो इसका मतलब पल्लवी मर चुकी है। हो सकता है सर, क्योंकि पल्लवी को भी गायब हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सर वहाँ पे पीछे एक बाइक मिली है। और कुछ मिला? नहीं सर। पता करो इसके नाम रजिस्टर है। ओके सर। शिरके हो सकता है ये बाइक सूरज की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने सूरज को मारा उसकी हो। उसने सूरज को मार दिया, बॉडी को यहाँ डंप कर दिया, बाइक को छोड़ कर निकल गया। ये भी हो सकता है कि काले फैमिली को इन दोनों के भागने का प्लान पता हो। उन्होंने पल्लवी को मारा, ड्रम में डंप कर दिया, बाद में सूरज को मार दिया और यहाँ फेंक दिया। एक मिनट सर। हेलो। ठीक है सर, काले फैमिली गिरफ्तार हो गई है, विरार पुलिस स्टेशन लेकर आ रहा है। वार्निंग दी थी ना तुम्हें कि अगर पल्लवी को कुछ भी हुआ तो जेल के अंदर कर दिए जाओगे। क्यों मारा? क्यों मारा पल्लवी को? मैडम हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा उसे। अरे कुछ नहीं किया तो भागे क्यों? पल्लवी किधर है? नहीं पता साहब, 30 जून के शाम को वो मैं जल्दी लौटती हूँ ऐसा बोल के गई साहब, लेकिन लौटी नहीं साहब। उसके बाद में हमने देखा वो रुकमणी के सब गहने गायब थे साहब। अब बहु चोरी करके मुंह काला करके भाग गई साहब। उसके ऊपर वो उस्मान भाड़े के लिए पीछे पड़ा साहब, मेरा और शिंदे का बकाया भाड़ा मांग रहा था। हमने सोचा कि खोपोली में इसके रिश्तेदार रहते हैं तो उनके यहाँ पे चले जाते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है, इसलिए चले गए साहब खोपोली। वो ड्रम किसका था? कौन सा ड्रम साहब? हाँ वो जिस कमरे को ताला लगा था उस कमरे में ड्रम किसका था जिसमें एक औरत की सड़ी हुई लाश मिली? कसम से साहब वो कमरे में क्या है हमको पता भी नहीं, वो कमरे की तरफ हम जाते भी नहीं साहब। इतना बड़ा घर था, देर वो कमरा नहीं दिखा? फिर तूने उसको जलाने की कोशिश की ना? नहीं साहब, हम लोग सच बोल रहे हैं, हमने उसे नहीं मारा है। मैं उसे जलाना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहता था। उसके बाप ने बीकू ने हमसे कहा था कि वो शादी के बाद हमें पैसे देगा, लेकिन बाद में वो मुकर गया। वो मुकर गया इसलिए तूने भरे बस्ते में उसको बेचने की कोशिश की। वो नहीं मानी तो उसको मार दिया? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सब पता चल जाएगा। लेके जाओ इनको और खूब मारो इनको। कहाँ फंसा रहे हो साहब? हम सच कह रहे हैं, मारा नहीं उसे। इन लोगों ने पल्लवी के ऊपर जिस गहने चोरी का इल्जाम लगाया उसके सारे डिटेल्स निकाल और पता करो चोर मार्केट या किसी ज्वेलर के पास वो बेचने गए थे। अरे पल्लवी का बाप भीकू, उसका और हमें जो लाश मिली है उसका डीएनए मैच करके देखो। ठीक है सर।
काफी कोशिशों और मेहनत के बाद आखिरकार विरार पुलिस को लगने लगा कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पल्लवी के पिता भीकू का डीएनए ड्रम में मिली लाश के डीएनए से मैच कर गया, जिसका अर्थ ये हुआ कि ड्रम में मिली लाश पल्लवी की थी। और साथ ही ये भी साबित हुआ था कि मौके वारदात पर मिली मोटरसाइकिल सूरज की थी। पल्लवी और सूरज का मर्डर हुआ था, ये प्रूव हो चुका था। और इसी दौरान पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली, जो पुलिस की मुश्किलें और बढ़ाने वाली थी। फिर के 14 जून को शिंदे फैमिली विरार से शिफ्ट हो चुकी और 30 जून तक पल्लवी जिंदा थी। इसका मतलब पल्लवी के मर्डर में शिंदे फैमिली का कोई हाथ। दूसरी सस्पेक्ट है काले फैमिली, जो हमारे कस्टडी में। एक और सस्पेक्ट है मिताली शिंदे, हो सकता अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ कहीं हो, लेकिन उसके हमें इंफॉर्मेशन नहीं। साहब मैं वही बताने के लिए इधर आई है, मैं ही हूँ मिताली शिंदे और मैंने पल्लवी को नहीं मारा है। तुमने कुछ किया नहीं तो यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इंसान हूँ ना साहब, पहले खाली खुद के बारे में सोचा और लगा पल्लवी को भी न्याय मिलना चाहिए। बहन जैसी थी वो साहब मेरी। साहब खाली पल्लवी को मालूम था कि मैं प्रशांत की फैमिली को छोड़ के विरार वापस आ चुकी हूँ और आकाश के साथ उसकी बीवी बन के उसके साथ में रह रही हूँ। घूंघट डालती थी तो बस्ती में कोई पहचाना नहीं मेरे को। पल्लवी ने बताया था 30 जून को भाग के जाने वाली? वो जल्दी में थी तो ज़्यादा बात नहीं करी, पर उस दिन मिली थी वो मुझे। सूरज कहाँ है? सूरज को मैंने उस्मान चाचा के उधर बुलाया है, उधर से हम दोनों साथ में जाएंगे और मैं भी अभी उस्मान चाचा के उधर ही जा रही हूँ। उस्मान चाचा बोले थे कि वो मदद करेंगे। सब पल्लवी कुछ मदद चाहती थी मेरे से, वो 30 तारीख को शाम को आने वाली थी पर मालूम नहीं क्या हुआ, वो आई नहीं। और ये सूरज यादव? वो भी नहीं आया सर। मैंने दोनों को फोन भी मिलाया तो दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में दूसरे दिन मालूम किया कि पूरा फैमिली घर छोड़ के चला गया है। अपने बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि इस बात का इस केस से क्या लेना देना साहब। कौन सोच सकता है साहब कि उस ड्रम में पल्लवी की लाश होगी? मुझे लगा वो सूरज के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही होगी, लेकिन साहब वृंदा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। वृंदा मेरी बच्ची जैसी थी, मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आप देख लें साहब, उसको मारने वाला दोजख की आग में चलेगा। अल्लाह उसका हिसाब करेगा, उसके कातिल को पकड़ो आप साहब और जो भी उसको सजा दिलाओ साहब। उस्मान चाचा शांत हो जाइए, उसके कातिल को हम जरूर पकड़ेंगे। आपको किसी पे शक कौन कर सकता है सर? इस बस्ती में कमलेश बोल के एक टेलर, वो रोज उसको सताता था और गलत नजर से देखता था। क्यों मारा उसको? साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। फिर झूठ बता, झूठ बता। फिर सब सुनना चाहता था ना मैं उसके साथ, पर सब मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया कर ले, इसको तब तक तोड़ो जब तक सच नहीं बोले। मारो उसको। साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। सुनंदा ने बताया कि 20 अगस्त को वृंदा काम पर आई थी सर। दोपहर को वो खाली टिफिन के साथ आई, फिर दोनों एक साथ ऑटो से घर को निकले। उसके बाद उसने बताया कि वृंदा ने अपने पुलिस स्टेशन के बाहर ऑटो रुकवाया और बोली कि उसे कुछ काम है। उसके बाद से सुनंदा ने वृंदा को देखा भी नहीं। मतलब वृंदा दो बार हमारे पास आई थी, वो हमें कुछ बताना चाहती थी। मैडम वृंदा की पीएम रिपोर्ट। सर वृंदा की मौत 20 अगस्त को 2 से 4 के बीच में हुई और सर बॉडी में 3 बार चाकू से वार किए गए। सर उसकी बॉडी पे नाखूनों के निशान भी मिले। सर मर्डर से पहले उसका रेप हुआ। कहीं वो अपने बारे में तो बताना नहीं चाहती थी? तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तृप्ति, बहुत बड़ी गलती। सर काले फैमिली के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उनका पता चल गया सर। सर आप गैस भी नहीं कर सकती कि ज्वेलरी चोर बाजार में किसने बेची थी। शेर के मैं रिलैक्स मूड में नहीं, साफ साफ बता। बताता हूँ क्या बताना पड़ेगा बोल। सर नशे के साथ साथ सर सेक्स की लत कब लगी पता ही नहीं चला सर। मेरे को लड़की देख के सर एक ही चीज़ समझ में आने लगी। 1.5 महीने पहले पल्लवी आई थी सर अब्बू से मिलने,
सबूत ही नहीं घर पे, तो मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं था सर। सोहेल, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। सोहेल, तू बचा नहीं आज। तेरी इतनी हिम्मत? सूरज, छोटा सूरज, ये क्या किया तुमने? नहीं छोडूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी सच्चाई पूरे दुनिया को बताऊंगी। मैंने जो कुछ किया अपनी औलाद को बचाने के लिए किया। ये तेरे फालतू बेटे को बचाने के लिए तूने मासूम लोगों की जान ली, तेरे को तब समझ में नहीं आया वो भी किसी की औलाद है? मुझे मालूम था कि काले फैमिली मेरा घर छोड़ के भाग चुकी है, कि पल्लवी की लाश को मैंने सूटकेस में डाला और उस घर में ले गया। उसके बाद सूरज की लाश को भी मैंने उसी सूटकेस में डाला और जंगल में जाके फेंक दिया, और उसकी मोटरसाइकिल को भी वहीं ठिकाने लगा दी। वृंदा को क्यों मारा? मारना पड़ा सर। क्यों? इसकी वजह से। मुझे मालूम था इसको नशे के साथ साथ औरत की भी लत लग गई। असल मैं रोज खुद इसको घर पे धंधे वाली औरत बुला के देता था, लेकिन उस दिन मैं भूल गया। गलती से मैंने वृंदा को घर बुला लिया राशन और दवाई के पैसे लेने के लिए, लेकिन मैं घर लेट पहुंचा और ये घर पे अकेला था। उस्मान चाचा, उस्मान चाचा, अरे मेरे को बुला के कहां चले गए? ये सब तेरे को पता था फिर भी तू चुप बैठा ना? वृंदा मेरे को बताई थी साहब, मुझे सुहेल पे बहुत गुस्सा था, लेकिन वृंदा पुलिस में जाएगी ये सोच के मैं डर गया था, इसलिए मैंने उसको वो वीडियो बताया जो सुहेल ने बनाया था उसका। अब बोला कि अगर तू पुलिस में जाएगी तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। सुहेल को वृंदा पसंद आ गई थी, वो जब मन करता उसको मैसेज कर बुला लेता, उसके साथ जबरदस्ती करता था और वृंदा का भी गुस्सा बढ़ते जा रहा था। मैंने वृंदा को पुलिस स्टेशन के बाहर देखा और मैं डर गया। मैं उसके पास गया और मैंने बोला उसको, वृंदा बेटा, बेटा तेरी आई की तबीयत बहुत खराब है, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या क्या हुआ? मेरा डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने को बोला, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ले चलता। फिर मैं उसको एक सुनसान जगह पे ले गया। और क्या हुआ उस्मान चाचा? बेटा तुझसे एक बात करनी है। जी कहिए ना। समाज कार्य करता है ना तू, ये झूठी समाज सेवा करने के बजाय तुम्हारे फालतू लड़के को सुधारते ना तो बहुत समाज सेवा होती। तुमको समझा रहा हूं मैं। फिर के लेके चलो इन दोनों को। चल रहे। आज का एक ये सबक है उन सभी माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, उन पर पर्दा डालते हैं और उन्हें ही नहीं खुद को भी अपराधी बना लेते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।